जय श्री राम, जय गदान। दोस्तों मैं रामा ब्लॉग्स से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं बड़ी छावनी, जहां पे राम भद्राचार्य जी महाराज का कथा होने वाला है। तो मैंने इसका कल वीडियो बनाया था, लेकिन वहां पे जो है उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यहां पे किस प्रकार से डेकोरेशन किया जा रहा है, सजावटें जो है किस प्रकार से की जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल यहां का डिटेल जानकारी दूंगा कि किस तरह फाइनल लुक जो यहां पे सजावट वगैरह किया गया, कितना भव्य तरीके से किया गया है, और यहां का जो सभी जानकारियां मैं आपको दूंगा, कैसे आना है, किस तरह से आना है, और रहना खाना सब कुछ फ्री यहाँ पे है। तो इस वीडियो में अगर बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको सब कुछ जानकारियां मिल जाएगी कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो है राम भद्राचार्य जी महाराज का जो मंडप सजाया गया कितना भव्य तरीके से सजाया गया उसको भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे रहने के लिए जो टेंट सिटी का निर्माण किया गया वो एकदम वीआईपी तरीके से किया गया, आप अगर आएंगे तो देखेंगे हाँ भाई कुछ किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब दिखाऊंगा। अभी देखेंगे हमारे पीछे जो है गेट के पास मैं खड़ा हूँ, तो गेट के पास से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ, पूरा जानकारी दूंगा, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए दिखाते हैं आगे से। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ये गेट होने वाला है जो कि आप देखेंगे तो यहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं देखने, और एक गेट उस साइड में भी है, तो वहाँ पे मैं भी नहीं जा रहा हूँ, पर आपको यहाँ का सीन दिखा रहा हूँ आगे से। तो बहुत ही खूबसूरत सूरत तरीके से सजाया गया, बट मैं यहाँ से आगे से आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे सजावट किया गया आप देखेंगे सामने। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह बनाया गया जो कि भगवान श्री राम की प्रतिमा है, और जो देवी सीता लक्ष्मण जी का प्रतिमा है, और यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है फूलों को और पौधों को लगाया गया। तो ये जो है नेचुरल प्राकृतिक पौधे हैं, इनको जो है अदर कंट्री से मंगाया गया है नेचुरल इस काम के लिए, और इनकी जो इस तरह से इनको यहाँ पे रखा गया है कि इनकी जड़ों में जो है पानी जाता रहे। तो कुछ यहाँ पे ऐसा सीन किया गया आप देखेंगे, तो यहाँ पे निषाद राज जो है नाव में राम लक्ष्मण और सीता जी को लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह किया गया बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। चलिए मैं आपको आगे का लुक दिखाता हूँ कैसे क्या है पे सीन, आप देखेंगे तो इधर का जो नजारा है कितना भव्य दिखता है। तो आगे आप देखेंगे तो एक जो भगवा झंडा लगाया गया जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और नीचे इसके आप देखेंगे तो जो है नेचुरल फूल पौधों को लगाया गया है। और यहाँ पे भगवान श्री राम की एक प्रतिमा है जो कि आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, इनको अदर कंट्री से मंगाया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। अभी वीडियो में बने रहे, चलिए मैं आपको उस स्थान को भी दिखाऊंगा जहाँ पे राम भद्राचार्य जी महाराज विराजमान होंगे कथा कहेंगे। तो उसको जिस तरह से सजाया गया बहुत ही लाजवाब और भव्य तरीके से सजाया गया, तो उसको देखना मत भूलना। तो ऐसा यहाँ का कुछ सीन है, तो प्रतिमा राम भगवान की जो आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे क्या यहाँ पे कार्य किया गया है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियों को रखा गया है जो कि बनाकर खूबसूरत तरीके से इसको सजा कर रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति है, उस साइड भी भगवान श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी हैं जो कि आप देखेंगे। तो वहाँ पे जो राम सेतु बनाया जा रहा था तो उसका कुछ चित्र यहाँ दर्शन दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पत्थर लिए हुए हैं जिसमें राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पत्थर पे राम लिखा हुआ है, और वहाँ पे देखेंगे तो हनुमान जी हैं, और इस साइड में ऐसे कुछ डेकोरेट यहाँ पे किया गया, सजावटें आप देख सकते हैं, कितने लोग घूमने आए इसको देखने आए हैं बहुत ज्यादा। और सर्दी जो है आज बहुत तेज सर्दी हो रही है, इधर जो है नाव में निषाद राज जो है भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे एक कुटी का निर्माण किया गया आप ये देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मुनि उनको बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, और चलिए मैं निरंतर आपको दिखाता हूँ कैसे क्या यहाँ पे किया गया सजावटें जो एकदम भव्य तरीके से की गई है। अगर वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे तो सोचेंगे यहाँ कुछ एकदम अभी हो रहा है, फिलहाल तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया गया है। मीडिया वाले भी आ जाए हैं, कल तो किसी को एंट्री नहीं था, नहीं तो आपने हमारा अगर वीडियो देखा हुआ तो आप देखे होंगे कि उसमें किसी को एंट्री मीडिया वालों को नहीं देखे होंगे। तो आज जो है मीडिया वालों को भी परमिशन मिला होगा, तो मीडिया वाले भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक कुटी और बनाया गया कुछ इस तरह से, और चलिए मैं आपको फाइनली वो चीज दिखाता हूँ जिसको आप देखने के लिए आतुर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भगवान श्री राम के मंदिर का जो है भव्य मॉडल बनाकर रखा गया है। तो ये मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, लेकिन आज जो है यहाँ पे कोई भी आकर वीडियो शूट कर सकता है। तो इस मॉडल को जो सजावट किया गया आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भव्य तरीके से किया गया, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे भी जो फूल पौधे लगाए गए हैं ये सब नेचुरल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग सोचेंगे कि ये फाइबर के फूल लगाए गए हैं जो कि सजावट के हैं, बट ये नेचुरल है, इनको अदर कंट्री से मंगाया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है, मंदिर का साइड देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पीछे का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, आप देखिए जो है राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है उसी तरह से इसको आकार दिया गया है। तो पीछे का ये फाइनल लुक है, और चलिए मैं आपको आगे से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ कैसे यहाँ पे सजावट और डेकोरेट किया गया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजावट वगैरह किया गया है, और मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे भव्य पंडाल बनाया गया है, जहाँ पे राम भद्राचार्य जी महाराज का भव्य कथा होने वाला है।
तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये सब चीजें आप देखें कैसे यहाँ पे डिजाइन वगैरह किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो सोचेंगे यहाँ की अयोध्या में कुछ किया गया अभी तक, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी तो ऐसा कोई यहाँ पे व्यवस्था सुविधा दी नहीं गई थी जो कि इतना ज्यादा भव्य तरीके से किया गया था। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे क्या सीन चीज चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में यहाँ पे जो है दिए को बनाया गया है जो कि दीप उत्सव के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो आप देखेंगे दीपक से ही दीपक को बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है दीपक से ही कलरफुल में अयोध्या, जय श्री राम अयोध्या। तो ऐसा यहाँ पे कुछ सीन दिख रहा है। और सिक्योरिटी जो है यहाँ पे हर कदम कदम पे आपको सिक्योरिटी मिलेंगे जो कि यहाँ की सुरक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पूरा है जो कि अभी इसको हटाया जाएगा, अभी तो हटाया नहीं गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका फाइनल लुक है। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाली देख रहे हैं प्रतिमा, इसके ऊपर जो है लाइट लगाया गया है जो कि उजाला करता है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भव्य नजारा दिख रहा है जो कि आप देखेंगे जो नीचे मैट वगैरह बिछाया गया है तो कल ही बिछा दिया गया था तो थोड़ा गंदा हो गया, बट ये एकदम न्यू तरीके से फ्रेश आया था। तो यहाँ पे जो पब्लिक आई है जो चल रही है तो इसलिए इस पे जो है गंदगी हो रही है, बट ये कोई बात नहीं, इसको साफ सुथरा कर दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भव्य तरीके से सीन किया गया है। और ऐसा यहाँ पे देखेंगे आगे जो है आगे हवन कुंड बनाया गया है जो कि उनकी संख्या तो मुझे मालूम नहीं, भी ले चलता हूँ आपको वहां भी दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। और अगर आपने हमारा वीडियो जो देखा है कल वाला देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये सब चीजें दिखाने का प्रयास किया था, बट यहाँ कुछ ऐसा था सीन की यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था क्योंकि डेकोरेशन हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था। बट आज जो है फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आज वीडियो शूट करना अलाउ है, कोई मना नहीं करेगा, कोई भी आके शूट कर सकता है, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा यहाँ पे सीन है। और आगे देखेंगे तो पोस्टर लगाया गया है जो कि रामभद्राचार्य जी महाराज का होगा पोस्टर है, और कथा कितने दिन तक होगा सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है। और यहाँ पे जो अतिथि आ रहे हैं उनको भी दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं मालिनी अवस्थी आ रही है जो कि आज ही आएंगी 14 तारीख है, और सुनील जोगी आएंगे जो कि कल आएंगे, अर्पणा यादव आ रही है तो वो 15 तारीख को ही आ रही है मतलब कल, और जो है हेमा मालिनी जी आ रही है तो वो 17 तारीख को आएंगी, कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं 18 तारीख को, मनोज मुतासी शुक्ला आ रहे हैं जो कि 19 तारीख को आएंगे, और अनूप जटोला आ रहे हैं जो कि 20 तारीख को आएंगे, और कुमार विश्वास आ रहे हैं जो कि 21 तारीख को आएंगे, और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ये सब फाइनल 22 तारीख को आएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा। और यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी रहेंगे, यज्ञ सम्राट बालक योगेश्वर दास जी रहेंगे, और आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज भी रहेंगे जो कि रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। और ऐसा कुछ यहाँ पे फाइनल लुक दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आगे जा रहे हैं पंडित लोग जा रहे हैं यही यज्ञ और हवन करवाएंगे। तो यहाँ का जो फाइनल लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो सजावट वगैरह किया गया है कैसा किया गया है, कोई कमी है तो वो भी बताइए। तो ऐसा यहाँ पे चित्र दर्शन किया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ टेंट सिटी जहाँ पे अतिथियों को ठहराया जाएगा, कितने ज्यादा वीआईपी तरीके से उसको बनाया गया अभी मैं आपको ले चलकर दिखाता हूँ। कल मैंने दिखाया था बट उसमें जो है जो व्यवस्थाएं की जा रही थी उसमें संपूर्ण नहीं की गई थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो वीआईपी तरीके से कार्य किया जा रहा है कितना ज्यादा खूबसूरत और लाजवाब तरीके से किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसका लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ, एक बार वीडियो में पहले बताया था अभी भी बता दे रहा हूँ अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ का लोकेशन जो है अयोध्या बड़ी छावनी। अगर आप किसी से पूछेंगे तो यहाँ पे वो उसका स्थान बता सकता है कि अयोध्या बड़ी छावनी कहाँ पे है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे अयोध्या बड़ी छावनी में ये है। तो यहाँ पे जो है 22 तारीख तक कथा चलेगा श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का जो कि बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो ये जो प्रांगण आप देखेंगे कितना ज्यादा भव्य तरीके से इसको सजाया गया है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और फिर चलेंगे आगे, मैं आपको दिखाऊंगा जो कि टेंट सिटी का किस तरह से यहाँ पे निर्माण किया गया है जो कि अतिथियों के लिए है। तो अगर आप आ सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर टेंट सिटी का जो निर्माण किया गया है एकदम वीआईपी तरीके से साफ सुथरे तरीके से किया गया है। तो आगे देखेंगे तो वीआईपी टेंट सिटी का जो गेट है कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, तो ये जो है फाइनल वीआईपी टेंट सिटी का गेट होगा। तो इसके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे सजावट देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से किया गया है। ऊपर जो है भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है जो कि फाइनल लुक में है। तो कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य इस तरह से किया गया है, और देखेंगे तो यहाँ पे ये जो भव्य तरीके से गेट बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो शूट करना मना है, तो मैंने कल जो शूट किया था उसी को यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे जो है किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेंट सिटी जो निर्माण किया गया हो तो उसमें कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये व्यवस्थाएं की गई। तो चलिए मैं आपको
अंदर आगे का सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए तो जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है, जो यहाँ पे देखिए कि पुलिस वाले थे उन्होंने हमको रोक दिया कि मतलब यहाँ पे किसी को वीडियो बनाना अलाउ नहीं अंदर जाने के लिए। और फिर मैंने उनसे बात किया तो वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी था वो भी आया, तो वो भी बोला कि किसी को यहाँ पे वीडियो शूट करने या अंदर जाने की परमिशन नहीं, किसी को भी मत जाने देना, गेट के पास ही रोक लेना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप नहीं शूट करने देंगे कोई बात नहीं, चलिए फिर मैं आपको आगे का लुक दिखा दूंगा। बट ये है कि कुछ क्लिप मैं टेंट श्री का आपको इस वीडियो में भी दिखा दूंगा कि जो वीडियो कल मैंने अब शूट किया था उसको कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसके में मैं आपको उस क्लिप को भी दिखा दूंगा किस तरह से भव्य तरीके से टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। और मैं यहाँ पे आपको यज्ञ यहाँ पे हो रहा है उसका दृश्य दिखा दूँ, तो कुछ इस तरह से यज्ञ का दृश्य है। कल यहाँ पे जो सजावटें नहीं की गई थी बट आज जो है यहाँ पे संपूर्ण सजावटें की गई है, आप देखेंगे तो बैरियर भी लगाया गया है यहाँ पे, तो लोग बहुत ज्यादा आए हैं श्रद्धालु। यहाँ पे देखेंगे बैरियर कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाया गया, पहले जो था बैरियर नहीं था, ये जो आप साइड में बैरियर देख रहे हैं ये पहले नहीं लगा था। और तो मैंने आप देखेंगे तो इस कुछ इस तरह से यहाँ पे सजावट किया गया, जो भगवा झंडा हर जगह दर दर पे लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो है हवन का लकड़ी रखा गया जिससे हवन होगा, और फिर यहाँ पे हवन में आप देखेंगे तो बहुत लोग गए हैं, पूरा भरा हुआ है हवन। और हवन के अंदर तो जाना शायद मना होगा वीडियो बनाना, बट चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको हवन का फाइनल लुक दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे चप्पल वगैरह सब निकाल दिए हैं। और देखेंगे तो हवन के अंदर कितने ज्यादा महंत और जो लोगों को हवन करवाना है कितने लोग गए हैं, तो इसमें जो है इनकी संख्या तो हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा लोग होंगे इसमें, हजारों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि ये एरिया आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है। इस छोर से आप देखेंगे तो उस छोर तक आपका अगर नजर जा रहा होगा वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया बना है इसका। तो अभी जो है कुछ हवन पे महंत लोग हैं, कुछ हवन पे नहीं है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है जो कि निर्माण कार्य के बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। तो दोस्तों आपने हवन का सीन तो देख ही लिया, अब मैं आपको फाइनल ले चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ पे राम भद्राचार्य जी महाराज का कथा होने वाला, उस मंडप में मैं आपको ले चलूंगा, उसको भी दिखाऊंगा कितना ज्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो आप देखेंगे उसका फाइनल लुक आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। कल जो उसने जो डेकोरेट किया था तो अधूरा था, तो इसीलिए मैंने उसको शूट करना भी मना किया गया था, बट आज मैं आपको इस वीडियो में फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग जा रहे हैं हवन करने के लिए, और महंतों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, महंत ही बहुत ज्यादा हैं जो कि बहुत ही दूर दूर से आए हैं अंदर जो है महंत लोग हैं। अभी तो यहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं बट महंत भी अभी आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे वीडियो के आगे तो महंतों की संख्या यहाँ पे कितना ज्यादा आ रही है धीरे धीरे, तो ये आप आगे देखेंगे। तो ये सब महंत है जो कि जा रहे हैं हवन करवाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे महंतों की एक टोली आ रही है जो कि हवन उनका भी यूज किया जाएगा, तो ये हवन करवाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है, महंत जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आ चुके हैं और धीरे धीरे आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे एक टोली महंतों की और आ रही है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जो आप देखेंगे नीचे पीला कलर की धोती पहने हैं, ऊपर देखेंगे तो जो भगवे कलर का स्वेटर और टोपी लगाए हैं, तो ये दो महंत आप देखेंगे कितने ज्यादा संख्या में जा रहे हैं महंतों लोग। तो इन्हीं के द्वारा जो हवन को संपूर्ण कराया जाएगा, और फिर इनकी संख्या आप देख ही सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा होंगे। और अंदर जो है सब बहुत ही महंत गए थे और ये धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कथा है 22 तारीख तक चलेगी, तो 22 तारीख के अंदर आप किसी दिन यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं और राम भद्राचार्य जी महाराज का कथा सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को ये कथा सुनने को मिलता है। जो और यहाँ पे जो है बागेश्वर धाम सरकार वो भी आएंगे, तो मैंने आपको वीडियो में बताया, पहले ही बता दिया, जो वो भी आएंगे तो उनका भी कथा यहाँ पे रहेगा, वो भी रहेंगे। दोस्तों मैं उस पंडाल के पास आ गया हूँ जहाँ पे राम भद्राचार्य जी का कथा होगा, तो ये जो पीछे पंडाल है यहीं पे कथा होगा। इसके अंदर का सीन मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे उसको डेकोरेट किया गया है, बट आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रथ यात्रा आया है जो कि भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा आप देखेंगे तो वहाँ पे कपड़े से ढका गया है, और हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि उनको भी ढका गया है, और यहाँ पे जो है बंदर की सेना है, तो यहाँ पे ऐसा रथ को सजावट किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक भव्य विशाल जो है कलश है, तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा विशाल होगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया गया, आप देख सकते हैं इस रथ को, तो ऐसा यहाँ पे जो है डिजाइन बनाया गया। और ये देखिए तो फाइनल जो है मंदिर का चित्र बनाया गया है, तो ये डेकोरेशन जो आप देखेंगे तो इसको भी काफी भव्य तरीके से सजावट किया गया है, तो इसका फाइनल लुक साइड से आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। और चलिए मैं फिर आपको इसको दिखाकर फिर पंडाल में ले चलता हूँ, वहां पे दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे उस पंडाल को डेकोरेट किया गया जहाँ पे राम भद्राचार्य जी विराजमान होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे, और इधर जो है कार्य भी हो ही रहा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सजावट किया गया, बाहर से आप लोग इसका देख सकते हैं, ये बाहर का लुक है।
और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर कुछ इस तरह से है। तो अभी आप अंदर का फाइनल लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है जो कि लाइट वगैरह लगाई गई है। तो यहीं से यहाँ पे दिखाने का अनुमान है, अंदर जाना मना है क्योंकि अभी सजावट हो रहा है, आप देख सकते हैं कोई अंदर नहीं होगा इस पंडाल के। वहाँ पे जो डेकोरेट किया जा रहा है तो वहीं पे लोग हैं और जो कर्मचारी यहाँ पे सजावट कर रहे हैं वही अंदर जा रहे हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे चेयर लगाया गया है और बीच में खाली जगह है जहाँ पे लोग बैठ कर यहाँ पे देखेंगे, उस साइड में चेयर लगाया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का किस तरह से दृश्य इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सजावट किया गया जो कि काफी भव्य तरीके से किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस पंडाल को किस तरह से बनाया गया है, तो इसमें अगर आपको थोड़ा भी कमी लगे तो आप कमेंट करके बताइए क्या कमी है। और यहाँ पे एक प्रतिमा जो है बजरंग बली की लगी हुई है और इधर भी एक प्रतिमा लगाई जाएगी, बट उसको अभी लगाया नहीं गया है। तो उसमें थोड़ा लुक आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये प्रतिमा आप देखेंगे तो इस साइड अगर वही प्रतिमा सेम होगी तो बहुत ही भव्य तरीके से दिखाया गया होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे सीन दिख रहा है इस वीडियो में। और फिर मैं चलिए आपको उस साइड से दिखाता हूँ वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे मैं अभी मिलता हूँ उसी जगह पे, आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक। दोस्तों यहाँ से भी वीडियो बनाना मना है, लेकिन मैं आपको चल रहा हूँ इसे पीछे जो खुला है यहाँ से दिखाऊंगा, थोड़ा आगे से ही दिखा दूंगा तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी वहाँ पे तो जाना बिल्कुल ही मना है। तो वहाँ पे भी सजावट हो रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ से फाइनल लुक दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा कैसे यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, आगे से ही दिखा दे रहा हूँ। अंदर तो जाना बिल्कुल भी मना है, तो इसलिए मैं आपको यहीं आगे से ही दिखा दूंगा, तो आगे से आप लोग मैनेज कर लेना। देख सकते हैं यहीं से कुछ कार्य यहाँ पे किया गया, तो आगे से ही आप ऐसा देख सकते हैं जो सजावट है वहाँ पे किया गया, वहाँ पे जाना मना है। तो यहीं से आप लोग मैनेज कर लेना, देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है। तो थोड़ा इधर से मैं आके दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पे है जो कि जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे सीन है, तो इधर का भी मैं आपको लुक दिखा दे रहा हूँ, आप देखेंगे तो उधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सजावट हो रहा है। तो कुछ हिस्से को राम मंदिर के आकार का यहाँ पे मॉडल बनाया गया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है, तो इसका आप एक अंदाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको राम मंदिर के आकार में इस मंच को बनाया गया है, आप देखेंगे तो एकदम एक से राम मंदिर का ही आकार यहाँ पे दिया गया। और वहाँ पे देखेंगे तो लाल गद्दी रखा गया जहाँ पे राम भद्राचार्य जी विराजमान होंगे, तो ये गद्दी आप देख सकते हैं जो लाल कलर का थोड़ा दिख रहा होगा आपको, तो उसी पे जो है राम भद्राचार्य जी विराजमान होकर कथा कहेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है, तो आगे जाना मना है इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ ये दृश्य दिख रहा है यहाँ का, तो आप बता सकते हैं ये जो मंडप किस तरह से बनाया गया है, मंच जो आप देखेंगे किस तरह से बनाया गया, इसको राम मंदिर के तर्ज पर ही बनाया गया, आप देखेंगे तो एकदम राम मंदिर का ही लुक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंह द्वार भी बनाया गया है और जो है मंडप भी बनाया गया है और जो शिखर भी बनाया गया है वहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में, तो एकदम ऊपर आप देखेंगे ये वाला एरिया तो उसको शिखर कहते हैं, तो वही शिखर बनाया गया और आगे जो है सिंह द्वार बनाया गया। तो वहाँ पे तो जाना मना है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो कारीगर वर्कर है जो वही जा रहे हैं और जो उनका जो पास बना है वो जा रहे हैं, तो पास नॉर्मल लोगों को बना नहीं है, जो यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं उन्हीं लोगों का पास यहाँ पे बना है तो वही लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी नहीं जा रहा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है। ये संस्कृति धरोहर चलनी चाहिए, वैसे ये हमारे बटुक जी हैं, ऐसे अखंड हैं, अंधे हैं, फिर भी ये शर्मा जी के लिए एक बार हम दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जरूरत है समाज को, चलनी चाहिए। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मंडप बनाया गया है उस मंडप में जिसका पास रहेगा उसी का एंट्री होगा, बिना पास के किसी को एंट्री नहीं किया जाएगा। तो अगर आप आते हैं तो पास वही बगल में है, बना सकते हैं जो कि उनका ऑफिस है, तो वहाँ से पास ले सकते हैं और मंडप के अंदर जाकर बैठकर कथा का आनंद ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।